माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत यूपी में एक पहेली बनी हुई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अतीक अहमद और उसके भाई की सरकार ने ही हत्या करवाई है। वहीं सरकार का साफ कहना है कि दोनों की हत्या में उसका कोई भी रोल नहीं है। बस इसी गहमा के बीच इन दिनों सियासत की जा रही है। हालांकि अब सहारनपुर से बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो अतीक और अशरफ की हत्या का क्रेडिट सीधे तौर पर सरकार को दे रहे हैं। पहले सुनिए राजीव गुम्बर का वायरल होता ये बयान। सुना आपने, ये साफ बोल रहे हैं कि अतीक और अशरफ को हमने ही ऊपर पहुंचाया। इसके बाद वो अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने की मिन्नत करने लगते हैं। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ सरकार सीना ठोक कर कह रही है कि माफियाओं की हत्या में कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। दरअसल सरकार का निशाना विपक्ष पर है, लेकिन जिन विधायकों से सरकार चल रही है वो लोग अतीक और अशरफ की मौत का क्रेडिट लेकर वोट की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर अतीक की हत्या करवाई किसने? विधायक जी के बयान के बाद तो लगता है कि पूरे घटनाक्रम की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। मामला बड़ा है, पूरे देश भर में अतीक अहमद की हत्या की ही चर्चा है। लिहाजा बिल्कुल सही समय है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का संज्ञान ले और अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच अपनी देखरेख में कराए, ताकि सच का पता चल सके और यूपी की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी अतीक अशरफ की हत्या की गुत्थी सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।